उमर रियाज ने अपना गाना रिलीज कर करके कर लिया है कलर से पंगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पंगा वाली कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई। ऑब्वियसली ऐसा सिर्फ उमर रियाज नहीं है, बिग बॉस हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिसके साथ अनफेयर हुआ, तो वो आके बोलते हैं। हिना खान ने भी बोला था कि जब उसके साथ उसको लग रहा था कि वो विनर है। तो ठीक है, इसमें कौन सी पंगा लेने की बात है और ये बात है, तो जिसने यूजर ने मुझे कमेंट किया मैं उसको यही कहूँगी कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो ये वाली बॉलीवुड वाली चीज़ें होती हैं और इस इंडस्ट्रीज में ऐसी चीज़ें छोटी बहुत हो जाती है, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। जो टीम है उनको रिलेटेड बोला है, स्पेशली कोई कलर्स को नहीं बोला है, सलमान सर को नहीं बोला है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। देखो अभी उनको अप्रोच किया गया है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट जताया है, बट मैं आपको बता दूँ कि वो अभी तक उनके तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। और मुझे लगता है कि मार्च आ ही वाला है, तो मार्च 15 तक कंटेस्टेंट फाइनल हो जाएंगे कौन कौन से कंटेस्टेंट हो जाएंगे। पर फिलहाल प्रिंस नरूला का नाम सामने आ रहा है, प्रतीक सहजपाल का नाम सामने आ रहा है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। कीप कमेंटिंग कि उमर रियाज को आप देखना चाहते हो।